वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। सो गाइज, आज मैं आया हूँ बैंड्रा वर्ली सीलिंग। हाँ गाइज, आपने सही सुना, आज का व्लॉग कुछ ऐसा रहेगा जो रैंडम पर्सन लोगों से आईक्यू लेवल टेस्ट, मतलब होगा उनके दिमाग का, बोलते ना भाजीपाला होगा किसी का, और कोई कोई अच्छे जॉब देगा, कोई कोई बुरे जॉब देगा, किसी किसी को तो जॉब समझ में ही नहीं आएगी, मगर इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है गाइज, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो में आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि ऐसे ही मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्शन कलेक्ट होते हैं। सो गाइस, देखते हैं इनका रिएक्शन कलेक्ट करते कैसा रहता है। हाय ब्रो, हाउ आर यू? फाइन। क्या नाम है आपका? अली। अली, आपका? हितेश। क्या सर, सॉरी? हितेश। तो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों से एक आईक्यू लेवल टेस्ट होगा। आईक्यू लेवल मींस आपसे एक सवाल जॉब करूँगा, उसका सही जॉब देते हो तो आपको मतलब एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है? ये मेरा चैनल है, एक बार हाई कर दीजिए। हाय। सो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुकेश की माँ के तीन बेटे, एक का नाम है जून, दूसरे का नाम है जुलाई, तो तीसरे का नाम क्या रहेगा? अगस्त। आपका? अगस्त। तीसरे का नाम क्या होगा? मुकेश के तीन बेटे, एक बार मुकेश की माँ के तीन बेटे, एक का नाम है जून, एक का नाम है जुलाई, तो तीसरे का नाम क्या होगा? एक का मुकेश नाम पड़ा है ना भाई। कहाँ हो गया भैया जी, हैंग हो गए। चलो कोई नहीं, मगर पहले आपने रॉन्ग दिए, मगर सेकंड बार में आपने क्लियर कर दिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो रहती लंबी है मैं खींचने के बाद में छोटी होती है? रबड़। हाँ, रबड़ लंबा कैसे रहता है? छोटी हो जाती है खींचने पे, खींचने पे छोटी होती है, रहती लंबी है। अरे भैया। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो होगा। हथियार। कौन सा हथियार? खोपड़ी जो तुम सोच रहे हो कुछ नहीं है। पहले सोच लो फिर बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि वीडियो बन रही है। रहती लंबी, रहती लंबी है, मैं खींचो तो छोटी होती है, ऐसी क्या चीज है वो? देख सकते हो आप लोग चेहरे पे शिकंज, कुछ अलग ही चल रहा है इनके माइंड में। मैं बताऊँ मैं? बताओ। सिगरेट। रहती लंबी है, खींचो तो छोटी होती है ना, बराबर ना? हम कुछ अलग ही सोच लिए थे। जायज़ है। तो अभी लास्ट आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती? स्कूट ड्राइवर। ये वही ना बात। चलो, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट बोला था मैंने, तो ये आपके लिए और ये आपके लिए। एक बार हाई कर दीजिए चैनल में। हाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन क्या बोलते हैं उसको दबाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? चलो भाई, थैंक यू सो मच। सेकंड रैंडम पर्सन के पास मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हो सामने दीदी बैठे, और इनसे मैं पूछने वाला हूँ मतलब थोड़े आईक्यू लेवल क्वेश्चंस, जो इनके जवाब देखते हैं कि कैसे रहते, फनी रहते कि अच्छे रहते। तो दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मेरे को छोड़ मेरे बच्चों को खा ले, क्या चीज़ है वो? वो रोज़ की चीज़ों में यूज़ होती है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ, शायद से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। हाँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मेरे को छोड़ मेरे बच्चों को खा ले, वो शायद से आप खाना बनाने में भी यूज़ में आती है। धनिया। नहीं, मिर्च। हरी कैसी रहती मिर्ची और उसके बच्चे काले कैसे रहेंगे? सॉरी, सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं, अंदर उसके बच्चे कैसे रहेंगे? मैं हरी मेरे बच्चे काले, मेरे को छोड़ मेरे बच्चों को खा ले, ऐसी क्या चीज़ है? नो आइडिया। मैं बता देता हूँ, आप कड़िंगर कैसे रहेगा? कड़िंगर लाल रहता है अंदर, हरा रहता है ना। ठीक है, आपका जो सोचने का नजरिया वो भी थोड़ा बहुत ठीक ही सेम ही है, मगर वो नहीं है। ओके, गॉट इट। मैं हरी, अंदर बच्चे काले, जो थोड़ा माउथ फ्रेशनर के लिए भी खाते हैं कभी कभी, सिल्वर कलर की आती है पैकेट में। सलमान खान का डोटा है। हरी इलायची। बराबर, सही बोला ना जी।
चलो ठीक है, आपने एक क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। बसंती की मौसी अगर ठाकुर को राखी बांधती है तो ठाकुर और बसंती का क्या रिश्ता होता है? बसंती की मौसी ठाकुर को राखी बांधती है तो ठाकुर और बसंती का क्या रिश्ता होता है? क्या रिश्ता होता है भाई? रिश्तों में मैं इतनी अच्छी आंटी है ना, आंटी तो एक्सपर्ट हो गए भाई, मेरा आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं। मां भाई बहन भाई का होता है, इसे बहन भाई का रिश्ता होता है ना, तो मगर ठाकुर के तो आते नहीं थे, बहन भाई का रिश्ता होता है ना, मगर ठाकुर के तो आते नहीं थे, बराबर ना। आपके पास में दो गाय है और चार बकरे, आपके पास में दो गाय है और चार बकरे, तो आपके पास में टोटल कितने पैर है? दो गाय और चार बकरे। हाँ तो टोटल कितने पैर हुए आपके पास? दो गाय, दो गाय और चार बकरे, तो आपके पास में टोटल कितने पैर हुए? 16। आप सीरियसली मैक्स करने लगे हो आपके पास तो दो ही पैर है ना चलो कोई नहीं, टोटल भी तो पूछ सकते हो ना, मैंने अगर मेरे दो बोले तो बोले टोटल कितने हुए फिर मैडम आपके मेरा क्वेश्चन आपने नहीं समझा, आपके पास कितने पैर है? दो तो कोई नहीं, आपने अच्छा जॉब दिया, तो एक बार हाई कर दीजिए वीडियो में। सो इट इज अ नाइस वीडियो, लाइक इट। थैंक यू मैम, थैंक यू, ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। नो मैम, थैंक यू सो मच। ले लीजिए मैम। नहीं नहीं चलेगा मैम, ले लीजिए। अरे चलेगा चलेगा, आपके लिए ही चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो गाइस देख सकते हो भाई लोग बैठे इधर मन्नत के सामने, तो इनसे भी मैं थोड़ा आईपी लेवल टेस्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखते हैं इनके सवाल के जवाब क्या रहते हैं, तो आप खुद देख लीजिए। तो भाई मेरे को ये बताओ, एक घर में एक लंगड़ा, एक बहरा, एक गूंगा रहता है, तो तीनों में से आटा पिसाने कौन जाएगा? एक लंगड़ा, एक गूंगा, एक बहरा। हाँ, तो ये तीनों में से आटा पिसाने कौन जाएगा? बहरा। बहरा जाएगा आपका क्या जवाब है? लंगड़ा से जान सकता एक अंधा, बहरा, लंगड़ा, तो तीनों में से आटा पिसाने कौन जाएगा? बोलते कुछ ये लंगड़ा बोलते तो अच्छा कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप? आशीर्वाद आटा, देश का नंबर वन आटा। हम चक्की का तो गांव की खाते हैं, गांव की चक्की का आटा खाते हो ना, तो अच्छा आप आटा पिसाने आते हो क्या गेहूँ पिसाने जाते हो? गेहूँ पिसाने जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, आटा पिसाने कौन जाएगा? आटा पिसाने, आटा कैसे पिसता है? आटा तो पिसता नहीं है हमारे चूदे में। नहीं नहीं आपका चिट्टा नहीं बना। तो राम ने, ठीक है बंदे का नाम राम है, राम ने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा, कैसे देखा? मरा हुआ वो कुत्ता कैसे भाग जाएगा? हाँ तो यही तो सवाल का जवाब है, जवाब दो इसका। राम ने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा, क्योंकि वो मरा हुआ तो वो भागेगा कैसे? मरा हुआ ना हो तो मरा हुआ है ना कुत्ता। वापिस से गौर से सुनो क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ, राम ने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा। मरा हुआ कुत्ता है, राम भाग रहा था, कुत्ता मरा हुआ था। अच्छा राम भाग रहा बराबर, क्या मैं गलत हूँ? सही है चलो ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फट जाए तो सिल नहीं सकती? फट जाए तो सिल नहीं सकती। हाँ ऐसी कौन सी चीज़ है फट जाए तो अगर सिल नहीं सकती? अरे नहीं भाई वो नहीं, वो भी सिल जाती है, वो भी सिल जाती है। वो कौन सी लगा? डॉक्टर, डॉक्टर सिल दे टांके लगा दे भाई, तो हर चीज डॉक्टर टांके लगा दे। बताओगे आप लोग ही बताओगे, एक का तो जवाब दे दो यार। आपसे तो मेरे को उम्मीद लेके आया था कि आप एक के तो जवाब, क्या मतलब अच्छा जवाब दे दोगे, एक का जवाब दे दो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो, चलो हिंट दे देता आपको मैं, वो पीने के काम आती है, पीने के, वो फड़ी आए तो सील नहीं सकते, दूध पीने के काम। ये भी ना बात, जीत गए हम, जीत गए तो भाई लोग का जैसे आप लोगों ने सुना के जवाब अच्छा ही दिए भाई लोग का, वीडियो भी अच्छा बना, एक बार हाई कर दीजिए चैनल पे। तो भाई लोगों को मैं एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहूँगा उनके लिए, तो भाई आपके लिए 5 स्टार और ये आपके लिए। अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। देख सकते आप लोग, तो मैं आपको क्या बुला सकता हूँ?
आंटी बुलाओ ना, आंटी बुला सकता हूँ ना। तो दो आंटी लोग मेरे साथ में बैठे हैं जो मतलब मेरे माँ की जैसे ही है, अच्छे विचारे, मतलब बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो इनका भी आईक्यू लेवल टेस्ट नहीं करूँगा मैं, कि मैं होता कौन हूँ इनका आईक्यू लेवल टेस्ट करने वाला। बस इनसे छोटी सी कॉन्वर्सेशन होगी जो थोड़ी मस्ती मजाक के साथ होगी, तो आप देखिए वीडियो को। तो मेरे को ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जाती तो ऊपर है मगर नीचे नहीं आती? अच्छा बता सकते हो ना कौन सी चीज़? अपना आत्मा एक बार जाता है तो बार बार नहीं आता। ये भी सही है मगर ये जवाब नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ जाती तो ऊपर है मगर नीचे नहीं आती? पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, ऐसी चीज़ है वो हाइट। इंसान की हाइट बढ़ती है तो वो नीचे तो आती नहीं, ऑफिस से बटला नहीं होता ना इंसान, बराबर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के पैदा होने के टाइम पे उसकी जिस्म में नहीं होती है? अरे मतलब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जिसमें वो चीज़ क्या ऐसी होती है जो पैदाइश के टाइम पे नहीं होती? नहीं मालूम पड़ता है, बोलने नहीं आता है। नहीं नहीं चीज़ होती है, ऐसी चीज़ है वो, ऊंचा चीज़ होती है, नहीं होती सब चीज लेके तो पैदा होता है। दांत भी लेके आता है बच्चा? नहीं दांत नहीं आता है उसको। तो वही तो पूछ रहा, ऐसी कौन सी चीज है? दांत तो नहीं होता है, पैदा होते ही दांत थोड़ी होता है। हाँ तो वही मेरा सवाल का जवाब ही वही था कि ऐसी अच्छा कौन सी चीज है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे डूबता देख कोई भी बचाना नहीं चाहेगा? सूर्य। ये हम जीत गए। आंटी ने एक सवाल का जवाब दे दिए, आपने तो कुछ जवाब ही नहीं दिए मेरे को। बचा ही नहीं सकते उसको डूबते हुए। हाँ कोई नहीं बचा सकता उसको तो। अब ऐसा अच्छा ठीक है, चलिए आपका नाम क्या है? रीना गोड्स। रीना, आपका? आरती शिंदे। आप लोगों का नाम तो एकदम जान जवान है। चलो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, मैं वो दे देता हूँ आप लोगों को। अरे एक चॉकलेट देना ये आपके लिए, आंटी के लिए। एक आंटी के लिए, थैंक यू। हाँ तो एक बार हाई कर दीजिए चैनल को। हाय बाय। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। पूछते आप लोग रेडी हो? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग पहले, संतोष भाई आप बिना मुंह मतलब होठ टच किए कोको कोला बोलो। बिना मुंह टच किए? हाँ होठ टच किए कोको कोला। कोको कोला बोलना है आपको? आप बोलो बिना होठ टच किए कोको कोला। अच्छा ठीक है, अभी नॉर्मल में बोलो कोको कोला। कोको कोला। अभी भी होठ का टच हुए। सो गाइस फाइनली पूरी वीडियो बन चुकी है, स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे रिएक्शन हम लोग ने कलेक्ट किए, जो संतोष भाई ने पूरा ब्लॉग शूट किए और माज ने भी बहुत हेल्प किया है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे बहुत मज़ा आया, आंटी लोगों के साथ में भी बैठ गए, उन लोगों के साथ में बहुत मज़ा आया। तो अच्छा लगा वीडियो बना के, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों ने, बहुत कम वक्त में ही वीडियो शूट हो गया हम लोगों का। और अभी फिलहाल मैं ये ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? आज भाई के साथ आज के हम लोग को टाइम हुआ लेकिन इतना मज़ा आया पब्लिक के साथ। आप वीडियो देखो तो आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि जो वीडियो बना है पब्लिक के रिएक्शन के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे रिएक्शन थे। हाँ गारंटी है, गारंटी। आपको नहीं हंसना है तो पैसा वापिस। मगर आप लोग, हाँ आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन देखे जाता हूँ जो कमेंट में आप बताना कि उसका जवाब क्या रहेगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे को ये बताओ, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? जो भी इसका जरूर जवाब, जो भी इसका जवाब देगा उसको, उसके लिए भी मैं एक सरप्राइज गिफ्ट रखूंगा। अगर सही जवाब देते हो आप तो कमेंट में मेरे को बताना कि पहले कौन आया, मैं तो नहीं आया। सो गाइज आई होप इंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।
सो गाइस बहुत धूप है इधर पे, बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत एकदम पूरा पसीना पसीना हो गए, मतलब वीडियो बनाने में ना एकदम हालत खराब हो गई, आप देख सकते हो संतोष ब्लैक कपड़ा पहन के आ रहा है, हाय गर्मी पूरा गर्मी से, और ये भाई को देखो वूलन की टी शर्ट पहन के आया है, वो भी हाई नेक पहन के आया है, ठंडी चालू है, हम लोग की गर्मी है भाई की ठंडी चालू है। तो गाइस बहुत मजा आया वीडियो, आप लोग देखो बहुत मजा आएगा, हम लोग तो पूरा पसीने में बोलते ना एकदम भीग चुके हैं, क्योंकि बहुत कड़क धूप है अभी, आप देख सकते हो 2 बजे का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है, तो आप सो सकते हो।